والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद-ए-इख्तियार की कोई इबादत के लायक नहीं और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके जिक्र की आज इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुर्शिद-ए-करीम की क़यादत में हाजिर हैं, अपने शेख तामिल की ज़ियारत कर रहे हैं। खूबसूरत तरीन महफिल है, खूबसूरत उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है और यकीनन जहां आप इनकी ज़ियारत कर रहे हैं आपने इनकी गुफ्तगू से भी इनके रिसालात से भी इस्तफादा किया होगा। खूबसूरत महफिल है, इशा का वक्त करीब है, चंद लम्हे आपसे सरकार अलैहिस्सलाम के जिक्र के मुताल्लिक़ सरकार अलैहिस्सलाम की शानों में गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। सरकार कुल आलम के जिक्र की महफिल है और सरकार अलैहिस्सलाम की शानों को बयान फरमाते हुए आपका रब फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको कसरतें अता फरमा दी, हमने आपको कसरतें अता फरमा दी। अब याद रखिएगा, जब रब करीम ने दुनिया का जिक्र फरमाया, जब रब करीम ने दुनिया का जिक्र फरमाया तो फरमाया ये मताह कलील है, ये मताह कलील है, यानी ये किल्लत है, ये बहुत थोड़ी है, ये मताह कलील है। जब दुनिया का जिक्र फरमाया तो मताह कलील फरमाया, यानी ये दुनिया भी मताह कलील है, इसका इल्म भी मताह कलील है, इसका माल मताह भी जो है, इसका माल जो है वो भी मताह कलील है, इसका हुस्न मताह कलील है, इसका जो इल्म है वो भी कलील है, ये कलील है, ये किल्लत है, ये हमारे आगे गोया के कोई हैसियत नहीं रखती, ये किल्लत है। लेकिन जब उसने अपने हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, हमारे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, जब उसने तेरे और मेरे नबी का जिक्र फरमाया तो वो फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको कसरतें अता करवा दी। जरा खुद सोचिए कि वो खालिक जो इस दुनिया को मताह कलील इरशाद फरमा रहा है, जिसकी किल्लत का यह आलम है, आज दुनिया हमें कितनी बड़ी नजर आती है, कितनी बड़ी नजर आती है, लेकिन जिसकी किल्लत का यह आलम है कि दुनिया खत्म हो जाती है पर वो फरमाता है कि ये किल्लत है, तो वो जिसको कसरत इरशाद फरमा रहा है उसकी कसरत का आलम क्या होगा, उसकी कसरत का आलम क्या होगा, उसकी कसरत का आलम क्या होगा। रब करीम ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको कसरतें अता फरमा दी, हमने आपको कसरतें अता फरमा दी। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब रब करीम ने दुनिया को मताह कलील फरमाया तो यानी इसका इल्म भी मताह कलील है, और सरकार कुल आलम को किसी एक सिफत में रब करीम ने नहीं फरमाया कि हमने आपको कसरतें अता फरमाई है, हर सिफत में कसरत अता फरमाई है, हर सिफत में कसरत अता फरमाई है। अगर आपके इल्म की कसरत को देखना चाहो तो पहले यह भी ज़हन में रखना, रब करीम ने फरमाया दुनिया मताह कलील है, अगर तो इसका इल्म भी मताह कलील है। अगर कोई किल्लत से मजीद किल्लत में से कुछ इल्म हासिल करके ये कहे कि मैं उसके इल्म का या उसके शान का मैयार अहद बताता हूं कि जिसके बारे में रब करीम फरमा रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, तो वो नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकता, वो बताने से कासिर है। क्योंकि अलामा मुन्ना अली कारी इरशाद फरमाते हैं, अलामा मुन्ना अली कारी इरशाद फरमाते हैं कि अगर सारी खलकत भी इकट्ठी हो जाए, सारी खलकत भी इकट्ठी हो जाए, याद रखिएगा अल्लाह करीम खालिक है, बाकी सब उसकी खलकत है, फरिश्ते भी खलकत में शामिल होते हैं, नबी रसूल भी खलकत में शामिल होते हैं, सब आलिम हर एक खलकत में शामिल होता है। हजरत मुल्ला अली कारी इरशाद फरमाते हैं कि अगर सारी खलकत भी इकट्ठी हो जाए, रसूल अल्लाह तो बहुत ऊंचे हैं। आज ये बात करते हैं कि हम सरकार के मकाम की हद बता देते हैं या सरकार के मकाम की हद ये है, इससे आगे कोई जाएगा तो वो मुबालगा कर रहा है, तो अलामा मुल्ला अली कारी उसका फरमाते हैं कि अरे तेरी
तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, तू किस बाप की मूली है। और जमीन पे फिरने वाले कीड़ों अपनी औकात में रहो, अगर सारी खलकत भी इकट्ठी हो जाए तो रसूलुल्लाह की किसी एक सिफत को भी कमा सकता हूं। रसूलुल्लाह की किसी एक सिफत को भी, रसूलुल्लाह की किसी एक सिफत को भी कमा सकता हूं बयान नहीं कर सकती, किसी एक सिफत को भी कमा सकता हूं बयान नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये किल्लत है, तू किल्लत में शामिल है। और रसूलुल्लाह वो है कि जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ मेरे नबी वाले सलाम, हमने आपको कसरतें अता फरमा दी, हमने आपको कसरतें अता फरमा दी। अगर सरकार कुल आलम के हुस्न की कसरत को देखना चाहते हो, अल्लाह करीम ने सरकार को जब फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर तो किसी एक सिफत का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि फरमा दिया ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम हमने आपको हर सिफत में बेनजीर बेमिसाल फरमा दिया है, बेनजीर बेमिसाल फरमा दिया है। आप किसी शान में, किसी शान में अपना मद्द मुकाबिल नहीं रखते। आपको हमने सबसे ऊंचा रुतबे अता फरमा दिए हैं। आला हजरत ने भी क्या खूब फरमाया है कि इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है रब है मोहती, ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है, रिस्क उसका है खिलाते ये है। आपने तो फरमाया सब कुछ ये है कि फैज़े जलील खलील से पूछो आग में भाग, खिलाते ये है। ऋषि कौसर में वो जिक्र है ना कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये है। आला हजरत ने क्या खूब फरमाया कि सरकार अलैहि सलातो सलाम को रब करीम ने ऐसी कसरतें अता फरमा दी कि सारी कसरत पाते ये है, हर सिफत में बेनजीर और बेमिसाल फरमा दिया, हर सिफत में कसरतें अता फरमा दी, हर सिफत में सरकार को बेनजीर और बेमिसाल बना दिया। कि अगर सरकार के हुस्न की कसरत को देखना चाहते हो तो हमें नजर आता है, हमें नजर आता है कि हुस्न यूसुफ पर कदी मिस्र में अंगुष्टे जना सर कटाते हैं आपके नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं आपके नाम पे मर्दाने अरब। अगर सरकार के हुस्न की कसरत को देखना चाहते हो तो सही हदीस है, हमें नजर आता है हजरत जाबिर इरशाद फरमाते हैं कि मैं सरकार कुल आलम की बारगाह में हाजिर था, सरकार की बारगाह में हाजिर था, इत्तफाक से उस दिन चांद की चौदहवीं रात थी। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं देख रहा था कि यहाँ रसूलुल्लाह का चेहरा चमक रहा है और वहां चौदहवीं का चांद चमक रहा है। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं सरकार की बारगाह में हाजिर था, मैं एक नजर रसूलुल्लाह के चेहरे को देखता था, दूसरी नजर चौदहवीं के चांद को देखता था, एक नजर रसूलुल्लाह के चेहरे से छूटते हुए नूर को देखता था और दूसरी नजर चांद की चांदनी को देखता था। हजरत जाबिर फरमाते हैं अल्लाह की कसम चांद का जमाल रसूलुल्लाह के जमाल के आगे कुछ नहीं है, चांद का जमाल रसूलुल्लाह के जमाल के आगे, चांद वो फरमाते हैं अल्लाह की कसम के चांद का जमाल मेरे आका के जमाल के आगे कुछ भी नहीं था, चांद का जमाल मेरे आका के जमाल के आगे कुछ भी नहीं था। याद रखिएगा जहां सूरत सीरत का जिक्र करना कुरान और हदीस से साबित है, जहां सीरत का जिक्र करना बहुत जरूरी है वहां सरकार की सूरत का जिक्र करना भी कुरान और हदीस से साबित है, सरकार की सूरत का जिक्र करना भी कुरान और हदीस से साबित है, सरकार के हुस्न और जमाल का जिक्र करना भी कुरान और हदीस से साबित है। कि हमें नजर आता है सरकार का दरबार अक्तस लगा है, हजरत हसान बिन साबित जब सरकार की बारगाह में खड़े होके सरकार की नाक पढ़ते हैं, जहां पहले कई अशार गए वहां एक शेर ये भी अर्ज करते हैं कि वह अहसन मिन कलम तरकत आइनुन, के या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन किसी आंख ने कभी देखा ही नहीं है। आइनी का मतलब है मेरी आंख ने। हजरत हसान ने कहा या रसूल अल्लाह तो अहसन मिन कलम तरकत आइनुन, आप जैसा हसीन किसी आंख ने कभी देखा ही नहीं है। वह अजमल मिन कलम काली दिन मिसाल, के या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन कोई देख सकता था क्या, आप जैसा हसीन तो किसी माल जना ही नहीं है। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले ऐबिन, या रसूल अल्लाह अल्लाह करीम ने आपको हर ऐब से पाक तकलीफ फरमाया है। कअन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, ऐ मेरे आका मुझे तो ये लगता है कि अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी से बनाया है। आप बताते गए होंगे आपका रब आपको बनाता गया होगा, आपका रब आपको
बनाता क्या होगा। हमारे शेख फरमा रहे हैं कि जरा इसको तरन्नुम में आपके अशार को पढ़ा जाए। तो आपने क्या अर्ज की कि वो अहसनो में कलम तरकत तो अजमलो में कलम तले दिल ने साओ खुलता मुबर्रा मिन कुल्ली बिल कन्नक कद खुलता कमा तशाओ। या रसूल अल्लाह, आपको खुदा ने आपकी मर्जी से बनाया है। अब याद रखिएगा, एक उलमा तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ एक हदीस से पहली होती है और एक हदीस से तकरीरी होती है कि जो बात सरकार के सामने की जाए, जो अमल किया जाए, सरकार उससे मना ना फरमाए, वो हदीस से कौली से टकरा भी ना रहा हो, तो ये सही हदीस का दर्जा रखता है, ये सही हदीस का दर्जा रखता है। हजरत हसन बिन साबित का ये कहना कि या रसूल अल्लाह, आपको खुदा ने आपकी मर्जी से बनाया है और सरकार का उस पर दुआ इरशाद फरमाना, यह हदीस तकरीरी का दर्जा रखता है। तो शाह साहब, इससे पता चला कि हजरत हसन ने हमें यह अकीदा दिया है, हमें यह अकीदा दिया है कि सरकार तो बहुत पहले से है, लिबास से बशरिया तो आपके सामने तैयार हुआ है, आपकी मर्जी से तैयार किया गया है। और इस पर मैं अपना एक और नुकता नजर पेश करना चाहता हूँ। मेरा विल्तान कहता है शाह साहब, ये मेरा विल्तान कहता है कि जब हजरत हसन बिन साबित ने सरकार के चेहरे को देख के कहा कि या रसूल अल्लाह, पहले बात सुनिएगा, बात पता चले तो फिर दाद दीजिएगा कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं है, किसी माँ ने जना ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, हजरत हसन ने यह नहीं कहा कि मदीने में किसी माँ ने नहीं जना, या मक्के में किसी माँ ने नहीं जना, या अरब में किसी माँ ने नहीं जना। कहा या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन तो किसी औरत ने कभी नहीं जना। मैं कहता हूँ कि सरकार की बारगाह में मुबालगा राई नहीं चलती, सरकार की बारगाह में जो है वो गलत बात करना नामुमकिन है। अगर गौस-ए-आज़म वली ये कामिल होकर ये फरमा सकते हैं कि मैं सारी कायनात को हथेली पे राई के दाने की तरह देखता हूँ, आवाज अब तक पहुंच जाए, इसलिए दाद से ज्यादा जरूरी है कि मेरी बात पर तवज्जो करें। अगर हजरत गौस-ए-आज़म ये फरमाते हैं कि मैं हथेली पे राई के दाने की तरह सारी दुनिया को देखता हूँ, तो जरा सोचो हसन बिन साबित का आलम क्या होगा। मेरा विश्वास कहता है कि हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर आखिरी शख्स तक यूसुफ अलैहि सलाम समेत सबके रसूल अल्लाह ने हजरत हसन की आंखों से पर्दा हटा दिया होगा, सबका चेहरा देखा होगा और फिर बारगाह मुस्तफा में कहा होगा कि या रसूल अल्लाह, हसन सबको देख के कह रहा है कि किसी माँ ने आप जैसा हसीन कहीं चला, आप जैसा हसीन किसी माँ ने कहीं जला ही नहीं है, आप जैसा हसीन किसी माँ ने कहीं जला ही नहीं है। अरे याद रखना, कि जब भी किसी नबी ने अल्लाह की तरफ बुलाया, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पूछने वालों ने उससे दलील मांगी। लेकिन मेरे मुस्तफा को देखने के बाद अक्सर लोगों ने मेरे मुस्तफा का चेहरा देख के ही कह दिया कि वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्विर कैसा होगा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर, जिसकी ये तस्वीर है, जिसकी ये तस्वीर है। हमें नजर आता है ये तो सरकार के हुस्न की कसरत है। अगर सरकार के इल्म की कसरत को देखना चाहते हो, अगर सरकार के इल्म की कसरत को देखना चाहते हो, तो हमें नजर आता है कि सरकार कुल आलम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे सवाल करना, जो सवाल करना चाहते हो मुझसे करो, जो सवाल करना चाहते हो मुझसे करो, मैं तुम्हें उसकी खबर अता फरमाऊंगा, मैं तुम्हें उसकी खबर अता फरमाऊंगा। हमें नजर आता है मुनाफिकीन जो थे ना,
उन्होंने एक दफा बातें करना शुरू कर दी, अजीब अजीब बातें करते थे, और आज भी उनके चेले चमचे वही बातें करते हैं, वही बातें करते हैं। उन्होंने कहा ये नबी है, ये कहते हैं जो पूछना है मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, जो सवाल करना है अर्श फर्श से मुतालिक मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। नबी तो वो होता है जो गैब जानता हो, इस पर बात नहीं करूंगा, इस पर बात नहीं करूंगा, दिलों में आप मेरी बात को उतारिए, इस पर ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन वो भी ये जानते थे कि नबी वो भी होता है जो गैब कर जानता हो। ईमान वाले नहीं थे पर अरबी थे, इसलिए जानते थे कि नबी का मतलब ये है कि गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें देने वाला, खबरें देने वाला है ना, तो नबी कौन सी खबरें देता है? नबी गैब की ही खबर देता है। नबी ये खबर नहीं देता कि फलां मुल्क में ये हो गया है या फलां मुल्क में ये हो गया है। नबी कोई और खबर नहीं देता। नबी ये नहीं बताता कि गाड़ी कैसे चलानी है या ये क्या करना है। ये खबर तो हम वैसे भी हासिल कर सकते हैं। नबी खबर देता है, लेकिन कौन सी खबर देता है जो आम बशर नहीं देख सकता? नबी होता ही वही खबर देता है जो गैब की खबर देता हो। अबू जहल ईमान वाला नहीं था, पर मुट्ठी में जब कतली छुपा के आया था, पूछा था बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, तो यहां से भी पता चलता है ना कि इतना तो बहुत ही जानता था कि नबी है तो पता होगा कि मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी है तो गैब कायम रखते होंगे, इस तरफ जाने का वक्त नहीं है। लेकिन हमें नजर आता है उन मुनाफिकीन ने, उन मुनाफिकीन ने जब वो बात करना शुरू की, उन मुनाफिकीन ने जब बात शुरू की, ऐसी इस बात को मैं वापस आता हूं अबू जहल की, लेकिन जब मुनाफिकीन ने वो बात शुरू की, वो बात मुकम्मल करके, जब मुनाफिकीन ने ये कहा कि भाई अगर ये नबी है, अगर ये नबी है तो इनको कैसे नहीं पता कि हम मुनाफिक हैं, हम इनको नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते, हम इनका इज़्ज़त दिल से नहीं करते, हम इनको दिल से नहीं मानते, हम इनको वो नहीं मानते जो हम जाहिर करते हैं। बार ये बातें शुरू की और ये कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो ये कैसे नबी है जो हमें जानते नहीं है कि हम इनको दिल से मान नहीं है। सरकार मिंबर पे तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं फलाह बिन फलाह मुनाफिक है, उठे और निकल जाए मेरी मस्जिद से। फलाह बिन फलाह मुनाफिक है, उठे और निकल जाए मेरी मस्जिद से। तुम अपनी बात करते हो, तुम ये बात करते हो कि मैं तुम्हें जानता हूं कि नहीं जानता। अरे मैं तो वो हूं जो उसको भी जानता हूं जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा, मैं तो उसको भी जानता हूं जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, ना सिर्फ उसको बल्कि उसके बाप के नाम से भी बात करते हैं। हमें नजर आता है और सरकार के इल्म की कसरत क्या है। हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं कि एक दफा दरबार रिसालत लगा था, सरकार तशरीफ लाए, फजर की नमाज पढ़ाई, सरकार ने खुतबा जारी फरमाया, शाम तक सरकार खुतबा इरशाद फरमाते रहे, सिर्फ नमाज का वक्फा होता था। हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं कि ये वो दिन था कि जब सरकार ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बयान शुरू फरमाया और वहां तक खत्म फरमाया कि जब जन्नत वाले जन्नत में चले गए और जहन्नम वाले जहन्नम में चले गए। हाँ, हम में से खुश नसीब है वो जिन्होंने वो याद कर लिया, खुश नसीब है वो जिन्होंने वो याद कर लिया। हमें नजर आता है तो वो अबू जहल भी जानता था कि अगर नबी होए तो गैब कायम रखते होंगे, गैब कायम रखते होंगे। ये बात लेके आया, सवाल किया कि मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकार कुल आलम ने फरमाया कि मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में है वो तुझे बताए कि मैं कौन हूं, वो तुझे बताए कि मैं कौन हूँ। इस वाक्य पर सिर्फ एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इस पहली बात पे तो मैंने एक दफा पहले भी तवज्जो दिलाई थी, दूसरी बात पे जो आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो सरकार का इल्म आजमाने के लिए आया था। आप बताएं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकार ने फरमाया मैं बताऊं जो तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में है, नारेबाज में पहले बात सुनिएगा, या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए कि मैं कौन हूं। शाह साहब, ये ऐसी बात नहीं है कि कोई आमने सामने खड़ा हो और उसको कह दे कि ये बताए। अब मुट्ठी में बंद थी कंकरियां, अगर वो जानदार चीज भी हो तो बताने के लिए कि वो बताए कि मैं कौन हूं, तो इसमें यह भी नजर आता है क्योंकि अगर कोई जानदार चीज भी किसी चीज में बंद हो तो उसको नहीं पता कि बाहर कौन है, उसको नहीं पता कि बाहर कौन है। यानी सरकार फरमा रहे हैं या मैं उसको इतना ही बता कर दूं कि वो बंद मुट्ठी में मुझे बता दे कि बाहर कौन मौजूद है, बाहर कौन मौजूद है। सरकार ने तवज्जो फरमाई, उन कंकरियों ने कलमा पढ़ा तो पता चला हमारे आका तो वो है कि अगर किसी कंकरी पे भी तवज्जो फरमाए तो उसमें इल्म आ जाता है, उसमें इल्म आ जाता है। सरकार की सवारी थी, सरकार का दराज गोश था,
याफूर उसका नाम था, याफूर उसका नाम था, सरकार का बड़ा याशिक का शाह साहब उसका इश्क भी जो है वो काबिल रश्क है, सरकार से ऐसी मोहब्बत करता था। जब सरकार ने अपनी जिंदगी का यह नाज अपनाया ना जिसमें सरकार आज जिंदा है, याफूर को जब ये पता चला कि अब मैं कभी दोबारा रसूलुल्लाह को देख नहीं पाऊंगा, अब कभी रसूलुल्लाह दोबारा मुझ पर सवारी नहीं फरमाएंगे, अब मैं कभी सरकार को दोबारा देख नहीं पाऊंगा, सहाबा फरमाते हैं याफूर कभी मदीना पाक में यहाँ भागता था, कभी वहां भागता था, आखिर दीवाना वार एक कुएं में छलांग मार के अपनी जान दे डाली कि अगर सरकार मुझ पर सवारी नहीं फरमाएंगे तो मुझे जिंदा रहने का शौक ही नहीं है। वो याफूर जब सरकार की बारगाह में हाजिर होता, जब सरकार की बारगाह में हाजिर होता, सरकार कुल आलम को किसी गुलाम को बुलाना होता ना तो सरकार याफूर को हुक्म फरमाया करते कि जा मेरे फलां गुलाम को बुला के ले आ। याफूर को ढूंढना पड़ता कि पहले घर जाता, फिर बाजार में जाता, फिर यहाँ जाता, फिर वहां जाता, ढूंढता जाके कि वो गुलाम कहाँ है। जब सरकार हुक्म फरमाते कि जा मेरे गुलाम को बुला के ला, जहां वो गुलाम होता, जहां वो गुलाम होता, और कहता तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, अरे मेरे आका के इल्म पर बकबक करने वालों मुझे बताओ कि उस याफूर को कौन रास्ता बताता था, उस याफूर को कौन बताता था कि रसूलुल्लाह के गुलाम कहाँ है। मेरे आका तो मेरे आका है, मेरे आका के साथ अगर किसी जानवर को भी नस्बत हो जाए तो उसको भी किसी को ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि अल्लाह उसको भी यह इल्म अता फरमा देता है, अल्लाह उसको भी यह इल्म अता फरमा देता है। गैब का इल्म किसको कहते हैं? इस पर भी घंटों गुफ्तगु हो सकती है, लेकिन आखिरी बात पे बात करके अपने गुफ्तगु को समेट लूंगा। अगर सरकार के इख्तियार की कसरत को देखना चाहते हो, सरकार के इख्तियार की कसरत को देखना चाहते हो तो हमें नजर आता है, हमें नजर आता है सहाबा फरमाते हैं हम एक मकाम पर थे, एक जंग पर थे, एक गज़वे की जानिब जा रहे थे, सफर में थे, सरकार कुल आलम ने एक शख्स का नाम लिया, एक शख्स का नाम लिया कि क्या ही अच्छा हो कि अगर यहाँ पर अबुल खैसमा हमारे साथ होता। अबुल खैसमा से सरकार की मुलाकात का दिल किया, मुलाकात का दिल किया, अब मालिक कुल आलम ने अबुल खैसमा को याद फरमाया था। सरकार की यह शान नहीं है कि सरकार वक्त का इंतजार फरमाए, सरकार वक्त का इंतजार फरमाए, बल्कि सरकार तो वह है कि अगर मेराज में जाते हैं तो वक्त रुक के सरकार का इंतजार करता है, वक्त रुक के सरकार का इंतजार करता है, वक्त सरकार का इंतजार करता है। सरकार की शान के शाया नहीं है कि सरकार वक्त का इंतजार फरमाए कि जाओ अबुल खैसमा को बुलाओ, कोई जाए फिर आए, कोई जाए फिर आए। अगर आसिफ बिन बरखिया उस तख्त को पलक झपकने से पहले हासिल कर सकता है तो क्या यह सरकार के शान के शाया है कि पलक झपकने का भी इंतजार किया जाए। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह बुलाएं क्या अबुल खैसमा को, बुलाएं। सरकार ने फरमाया कोई बुलाने नहीं जाएगा, बैठ जाओ यहाँ पर। सामने से घोड़े पे सवार एक शख्स आ रहा था, सहाबा फरमाते हैं उसके मुंह पे कपड़ा था, सरकार ने उसको इशारा फरमाया, अरे वो तो पता नहीं कौन था और पता नहीं कहाँ जा रहा था, वो कोई मुसाफिर था। सरकार ने उसको इशारा फरमाया और फरमाया तुम बिन अबुल खैसमा, याद रखिएगा। इस पर भी मुहद्दिसीन ने तफसील से लिखा है कि अल्लाह करीम ने सरकार को लफ्ज़े कुल पर इख्तियार अता फरमाया है कि सरकार भी जब चाहे लफ्ज़े कुल का इस्तेमाल फरमा के जो चाहे कर सकते हैं। सरकार ने उस शख्स को इशारा फरमाया, फरमाया कुल बिन अबुल खैसमा, अरे तू जो भी है अबुल खैसमा बन जा, तू जो भी है अबुल खैसमा बन जा। सहाबा फरमाते हैं मुंह से कपड़ा हटा दो अबुल खैसमा का, मुंह से कपड़ा हटा तो वो अबुल खैसमा का। कहा तू जहां से भी आ रहा है, तू जहां भी जा रहा है, तू जो भी है अबुल खैसमा हो जा। उस शख्स के मुंह से कपड़ा हटता है और वो अबुल खैसमा था, वो अबुल खैसमा था। सरकार कुल आलम के अगर इख्तियार को देखना चाहो, आला हजरत फरमाते हैं इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं,
इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, कुल जहां है आपके कब्जा और इख्तियार में, कुल जहां है आपके कब्जा और इख्तियार में। अगर सरकार के इख्तियार की कसरत को देखना चाहते हो तो हमें नजर आता है, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि एक अरसा मैंने सरकार की बारगाह में गुजारा, कभी सरकार ने किसी को खाली नहीं मोड़ा। कोई चीज ऐसी नहीं है जो सरकार के दरबार में नहीं है, लेकिन एक चीज है जो सरकार के दरबार में नहीं है, वो लफ्ज़े नहीं है जो हुजूर की बारगाह में नहीं है। कभी कोई आया जिसने जो अर्ज की सरकार ने उसको वो करके दिखाया, बाकी अंबिया के साथ ये मामला नहीं था। उलमा तशरीफ फरमा है तो उनको हर चीज पे इख्तियार दिया गया हो, उनको मखसूस मौजज़े मिले थे, कि अगर कोई नबूवत की दलील मांगता, तो वो उससे ना पूछा करते कि तुझे क्या दलील चाहिए, बल्कि वही जो मखसूस मौजज़ात मिले थे वही दिखाते उसको नबूवत की दलील के लिए, वही मखसूस मौजज़ात दिखाते। लेकिन सरकार के पास जब कोई आता कि नबूवत की दलील दे, तो सरकार ये ना फरमाते कि ये मखसूस मौजज़ा है जो मैं तुझे दिखा के नबूवत की दलील इरशाद करवाता हूँ। सरकार फरमाते ऐ जा बता तू क्या देखना चाहता है, जो देखना चाहेगा मैं तुझे दिखा डालूंगा, अगर कोई कहता चांद तोड़ के दिखाए सरकार के इशारे पर, चांद अपना आप कुर्बान करता सरकार पर। अगर कोई बुलाता कहता कि दरख्त को बुलाए, तो सरकार फरमाते कि मैं बुलाऊं, जा तू उसको जाके बता दे कि अल्लाह का हबीब तुझे बुला रहा है, सरकार के पास अगर कोई आता कि अगर सरकार कहीं जाते, जाकर कहते कि या रसूलुल्लाह दोनों बच्चे जान से के बाद हार गए, दुनिया से चले गए, सरकार ये ना फरमाते कि अब ये तो हो गया, सरकार फरमाते मैं आ रहा था और तेरे घर में सदमा भी आ जाए, ये मुमकिन नहीं है। जाकर के बच्चों को उसको बिनाई अता फरमा देते। अगर कोई कुछ भी सवाल लेके सरकार की बारगाह में हाजिर होता, हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने कभी सरकार की जुबान से लफ्ज़े नहीं सुना, ये बात सिर्फ हजरत जाबिर नहीं फरमाते बल्कि आला हजरत हमें कहते हैं कि रसूलुल्लाह के गुलामों मांगेंगे मुंह मांग पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, मंगता का हाथ उठते ही आका की देन की दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। पर सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। इतना अजब बुलंदी ये जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं के भी ये किस ऊंचे दर की है, शाह साहब ये शेर मजमून से नहीं है जो मेरा मजमून है, पर याद आ गया, मैं में भी पढ़ता हूं एक बार तो लफ्ज में ये शेर इस पे तबसरा करके, ये शेर मौजू से नहीं है, इस शेर से याद आ गया कि इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए। तो सरकार का इख्तियार है ना कि क्यों इतना तू जो है वो हो रहा है, अरे जन्नत की ये चाल क्यों ना हो, देखा नहीं है कि किस दरबार की भीख है, देखा नहीं भीख एक किस्म के दर के। लेकिन शाह साहब आला हजरत ने एक और बात भी फरमाई है, आला हजरत जैसा कोई जम नहीं सकता, आला हजरत ने जो हकायत दिए है, आला हजरत ने फरमाया लोग जन्नत के लिए रोते हैं ना, हर काम जन्नत के लिए, नमाजें क्यों पढ़ रहे हो भाई जन्नत मिल जाए, रोजे क्यों रख रहे हो भाई जन्नत मिल जाए, ये क्यों कर रहे हो भाई जन्नत मिल जाए, अमल किए जा रहे हैं। तो आला हजरत क्या फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं जन्नत ना दे ना दे तो करें बात लुत्फ से, जन्नत ना दे ना दे तेरी रहमत हो खैर से, तो या रसूल अल्लाह जन्नत बेशक ना मिले आपकी ज्यारत हो जाए मेरे स्कूल के आगे, किसको हमज कर दो मर की है आपके चेहरे में तो हुस्न जमाल है उसके आगे जन्नत क्या है। जो कहते हैं आप कौसर मिल जाए आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह हम आपके कौसर के प्यासे नहीं है, हम तो आपके प्यार के प्यासे हैं। कहा शरबत ना दे ना दे, तो करें बात लुत्फ से, शरबत ना दे तो